Hello everyone, welcome back to the course of analog electronics. Up to the last lecture we have covered basis of electronics, the PN junction diodes and its application. Today we are going to start a new topic, which is transistor. Basically a transistor is known as a magical device which can amplify a low level signal to a high level signal. We will see this how it happens later on. Right now we will do transistor. Right, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आते हैं अबाउट ट्रांजिस्टर इज व्हाट इज ट्रांजिस्टर. बेसिकली अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, राइट, विच ट्रांसफर्स द सिग्नल टू फ्रॉम अ लो लेवल लो रेसिस्टेंस लेवल टू अ हाई रेसिस्टेंस लेवल सर्किट. Right, it also amplifies the signal if this transistor is used as an amplifier. Means if we are giving the signal in smaller value, we will get in output little bit larger. Also you are the यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे output में ये signal amplified version है input का, as well as out of phase, means a phase out of 180 degree. ये कैसे आता है ये हम लोग देखेंगे फ्यूचर जब हम लोग एम्पलीफायर सर्किट्स पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम लोग एम्पलीफायर सर्किट्स में कवर करेंगे हाउ दिस 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल. आउट ऑफ दिस थ्री टर्मिनल्स वन टर्मिनल इज कॉल्ड एज एमिटर, द मिडिल वन इज बेस, अनदर वन इज कलेक्टर, राइट. ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके तीन टर्मिनल्स जो हमारे, जैसा मैंने पहले कहा ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, उस तीन में से एक टर्मिनल हमारा एमिटर है, बीच वाला बेस, एंड अदर वन इज द कलेक्टर. इन सारे के पीछे हम स्टडी करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एमिटर, इसलिए क्योंकि जो भी मेजॉरिटी करियर से है वो इंजेक्ट किया जाएगा, वो इमिट किया जाएगा सिर्फ इस डिवाइस, इस रीजन की वजह से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एमिटर, राइट. अब देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं. बेसिकली ट्रांजिस्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, राइट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, इट विल बी ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट. द सेकेंड वन इज यूनिपोलर, राइट. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि करंट कंडक्शन हमारे दोनों टाइप्स के करियर्स की वजह से होगा, राइट, मींस इलेक्ट्रॉन की वजह से एज वेल एज होल्स की वजह से. यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स में लाइक फेट, मॉसफेट एटसेट्रा, उसमें करंट कंडक्शन जो है हमारा सिर्फ एक टाइप के करियर की वजह से होगा, whether it is electron or holes, right? That is why उस type के हम transistors को unipolar कहेंगे. Unipolar transistors हम later subjects lectures में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हम bipolar junction transistors पे focus करेंगे, right? बात करते हैं bipolar junction transistor form कैसे होता है, कैसे बनता है, construction क्या है. तो इसको समझने के लिए देखते हैं, हम एक डायोड लेते हैं पीएन टाइप, राइट, और एक दूसरा डायोड लेते हैं एनपी टाइप, राइट, ओके. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डायोड्स को साइड बाय साइड जोड़ देते हैं, राइट. तो हमें एक दूसरा डिवाइस मिलता है, ये N और N रीजन ऐड होकर के कॉमन N रीजन बनेगा, और ये दोनों P रीजन साइड बाय साइड. करंट लेने के लिए हमने टर्मिनल ऐड किया, तो ये हमारे पास एक थ्री टर्मिनल डिवाइस फॉर्म हो गया जिसे हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, राइट. सो हम अपने स्टडी में, एनालिसिस में जब हम देखेंगे तो यही पद हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम एक दो डायोड्स को साइड बाय साइड एडेड फॉर्म में भी एनालिसिस कर सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर को,
यहाँ पे अगर एन रीजन, जहाँ पे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, दोनों साइड हमारा पीस रीजन है, पी टाइप मटेरियल है, और हमारा एन टाइप मटेरियल जो है वो सैंडविच्ड किया हुआ है, हमारे दो पी टाइप मटेरियल्स हैं। सिमिलरली अपोजिट भी हो सकता है, मीन्स इफ एन पी टाइप रीजन इज सैंडविच्ड बाय टू एन टाइप मटेरियल, राइट, मीन्स ट्रांजिस्टर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। इस ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहेंगे एंड दिस ट्रांजिस्टर विल बी कॉल्ड एज एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एक चीज पता चलता है इमीटर के बारे में, कि इमीटर हमें सबसे ज्यादा बड़ा साइज में, सॉरी मॉडरेट इन साइज रखना है, बट डोपिंग लेवल हाई होनी चाहिए। मीन्स अगर हम एन टाइप के एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो ये जो रीजन हमारा, जो कि इमीटर है, इमीटर बेस एंड कलेक्टर, इमीटर बेस एंड कलेक्टर, तो अगर हमारा एनपीएन रीजन है, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इस रीजन को हम हैविली डोप करेंगे, राइट। अगर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इस रीजन को हम हैविली डोप करेंगे, बट साइज मॉडरेट रखेंगे। सो आवर इमिटर विल बी हैविली डोप्ड बट मॉडरेट इन साइज, राइट। बेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा बेस बेस हम काफी छोटा रखेंगे, वेरी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज, ऑल्सो लाइटली डोप्ड, मीन्स डोपिंग लेवल भी बेस की हम सबसे कम रखेंगे और साइज भी सबसे कम। कलेक्टर की अगर बात करें, तो कलेक्टर क्या होगा, कलेक्टर का डोपिंग लेवल मॉडरेट होगा, मॉडरेटली डोप्ड बट लार्जेस्ट इन साइज। ऐसा क्यों करते हैं हम, इन सब के पीछे रीजन है, सिग्निफिकेंस है। जब हम इमीटर को हैविली डोप करेंगे, मीन्स हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा होगा, राइट। अगर एनपीएन की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, व्हाई, बिकॉज दिस इज एन टाइप मटेरियल। अगर हम पीएनपी की बात करें, तो इसमें होल्स बहुत ज्यादा होंगे, राइट, बहुत ज्यादा, क्लियर, बिकॉज यही सारे करियर्स, यही सारे मेजॉरिटी करियर आगे चल के बेस में डिफ्यूज होने के बाद हमारे कलेक्टर में करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। ये सारी बातें हम देखेंगे बाद में, जब हम ऑपरेशन, इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के सेक्शन में जाएंगे, बट फिलहाल के लिए क्यों हम इसकी हैवी डोपिंग करते हैं, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा करियर इमीट करेगा, राइट, इसीलिए इसकी डोपिंग लेवल हाई रखते हैं। बेस रीजन, स्मॉलर इन साइज एंड लाइटली डोप, सिंस जब यहां से करियर हमारा इंजेक्ट होगा बेस रीजन में, तो यही सारे करियर्स को आगे कलेक्टर में डिफ्यूज होना है। ऐसा होने के लिए हमें मिनिमम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बेस में, मतलब इस जंक्शन पे, जब हम इस तरह के फॉर्म करते हैं, ये हमारा दो जंक्शन फॉर्म हो रहा ना, दो पीएन जंक्शन, राइट, तो इस जंक्शन का नाम हम जे ही देते हैं, बेस और एमिटर जंक्शन, और इस जंक्शन का नाम कलेक्टर बेस जंक्शन, जीसी। तो जब ये हमारा इमीटर से इंजेक्टेड करियर्स मिनिमम रिकॉम्बिनेशन जे जंक्शन पे हो, तभी तो रिमेनिंग करियर्स हमारा कलेक्टर में डिफ्यूज हो सकता है। अगर हम बेस को हैविली डोप्ड कर देते हैं, राइट, तो जो भी करियर हमारा इमीटर इमीट करेगा, सारा का सारा रिकम्बाइन कर जाएगा हमारे बेस रीजन के करियर से, और कलेक्टर में डिफ्यूज करने के लिए हमारे पास करियर नहीं होंगे, सो हमें एम्पलीफिकेशन प्रोसेस नहीं मिल पाएगा, मीन्स हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर पाएगा फिर। इसीलिए बेस को लाइटली डोप करते हैं और साथ ही साथ काफी स्मॉल साइज का लेते हैं। कलेक्टर को सबसे लार्ज साइज में इसलिए रखते हैं,
सो दैट जब हमारा चार्ज कैरियर यहाँ रिसीव होगा तो हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा, सिंस सॉरी हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। अब अगर हीट जनरेशन ज़्यादा होता है तो हीट डिसिपेट होना भी चाहिए, अदरवाइज हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दैट इज़ वाई टू डिसिपेट द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कैरियर्स विच इज इंजेक्टेड बाई इमीटर, आवर कलेक्टर शुड बी इन लार्जर साइज। सो अगर हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो NPN ट्रांजिस्टर को सिम्बॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, दिस इज आवर बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमीटर। करंट विल लीव द इमीटर टर्मिनल। अगर PNP की बात करें तो दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर इमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। करंट विल एंटर द इमीटर टर्मिनल। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर NPN ट्रांजिस्टर हम लेते हैं तो हमारा कैरियर इमीटर में इधर इंजेक्ट होगा, राइट, मींस हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू दैट, मींस करंट विल लीव द इमीटर टर्मिनल। इन केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर ये हमारा होल्स है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हमारा होल्स इधर मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स इट विल इंटर द इमीटर टर्मिनल। इसीलिए हमने PNP ट्रांजिस्टर के केस में करंट का डायरेक्शन शो किया है इंटरिंग टू द इमीटर टर्मिनल और NPN ट्रांजिस्टर में लीविंग टू द इमीटर टर्मिनल। अब बात करते हैं हम अपने ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की, राइट, मीन्स हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स, राइट। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए सिंस हमारे पास दो डायोड्स थे, राइट, जैसा कि मैंने कंस्ट्रक्शन से बताया था, दिस इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, जिसे हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स विच इज कनेक्टेड साइड बाई साइड, राइट। सो दिस इज आवर थ्री टर्मिनल डिवाइस ट्रांजिस्टर। इसके ऑपरेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने इनपुट और हम अपने एक डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं वाइल रिवर्स बायसिंग द अदर डायोड, राइट। पहले हम इंडिविजुअली एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल कंबाइन दिस टू सर्किट्स टू गेट द फाइनल सर्किट विच सिंपली रिफ्लेक्ट्स हाउ द डायोड वर्क्स, सॉरी हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स। ये हमारा सर्किट जो हमारे फाइनल सारे सर्किट्स में इम्प्लॉय होगा, जो सारे सर्किट्स में हम यूज करेंगे, राइट, दिस इज आवर फाइनल सर्किट। इसी सर्किट का ऑपरेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पार्ट्स में समझते हैं, मीन्स फर्स्ट हम ओपन सर्किट कर देते हैं हमारे आउटपुट सर्किट को, राइट। यहाँ हमने अपने आउटपुट सर्किट को मीन्स JC को हमने ओपन सर्किट कर दिया, मीन्स JC विल हैव नो अफेक्ट इन दिस सर्किट। सिमिलरली इस सर्किट में JE विल हैव नो इफेक्ट, राइट, मीन्स हमें इस सर्किट में जब एनालिसिस शुरू करेंगे तो देखते क्या है कि ये जो है सिंपल हमारा एक PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब सिंस ये इन रीजन है और जैसा कि मैंने कहा था कि इमीटर हमारा हैविली डोप्ड रहेगा, सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी वेरी हाई, राइट। और जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होगा, होल्स, इजंट इट, चलिए इसे होल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये होल्स हमारा काफी कम रहेगा। तो अब यहां पर देखते हैं, सिंस नेगेटिव टर्मिनल यहां अप्लाई किया, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, सो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे, राइट, और हमारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन से दूर जाएगा। सिमिलरली पी में हमारे पास क्या रहेगा, होल्स बहुत ज्यादा होंगे,
विच इज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, राइट, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये पी रीजन है। ओके, अब अज्यूम करते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में 100 इलेक्ट्रॉन इमीटर रीजन से बेस रीजन में डिफ्यूज हुए, राइट। सिंस जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि बेस रीजन हमारा लाइटली डोप्ड होगा और स्मॉलर साइज में होगा, सिंस लाइटली डोप्ड होने की वजह से नंबर ऑफ होल्स विल बी वेरी लेस, ऑल्सो स्मॉलर साइज होने की वजह से रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा बेस रीजन का, राइट। सो जब यहां से 100 इलेक्ट्रॉन, सिंस ये जो हमने नंबर्स लिया है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जस्ट टू मेक द अंडरस्टैंड कि पिक्चर क्लियर करने के लिए कि कैसे ये 100 इलेक्ट्रॉन जो है उस इमीटर से इंजेक्ट होने के बाद बेस रीजन में 100 के 100 इलेक्ट्रॉन करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट। कैसे देखते हैं, सिंस नंबर ऑफ होल्स हमारे बेस रीजन में बहुत कम है, इसीलिए लेट अस से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे होल्स के साथ रिकम्बाइन कर लेते हैं, राइट। आफ्टर रिकम्बाइनिंग विद द होल्स हमारे पास बेस में अभी भी 95 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे जो कि कंबाइन नहीं हो पाएंगे, कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए इसे यहीं पे ड्रॉप करते हैं अभी तक के लिए यहाँ पे, बट हम अपने दिमाग में रखते हैं कि बेस रीजन में अभी भी हमारे पास 95 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। करंट्स की अगर बात करते हैं तो सिंस माइनॉरिटी कैरियर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जंक्शन से दूर जा रहा है, इसीलिए करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर 0 एंड करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है इमीटर रीजन में और होल्स है बेस रीजन में विल बी द फाइनल करंट। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, दूसरे सर्किट में, राइट। सिंस यहां पर हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस में क्या है, होल्स, राइट, और एन रीजन में क्या है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन, राइट। बट यहां पे निगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, सो दीज होल्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस, मीन्स ये सारे होल्स जंक्शन से दूर, ये जो हमारा जेसी जंक्शन है इससे दूर मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमारा जंक्शन से दूर मूव करेगा, राइट। ऐसा होने की वजह से करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर विल बी 0, क्यों, क्योंकि वो जंक्शन से दूर जा रहा है, लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा, लूप का फॉर्मेशन होगा नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। अब बात करते हैं हम माइनॉरिटी कैरियर के, सिंस पी रीजन में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एन रीजन में होल्स, राइट, एन रीजन में हमारे पास कुछ होल्स होंगे जो कि डिफ्यूज करेंगे जिसकी वजह से करंट फ्लो करेंगे, राइट। सो करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो हो गई बात इसकी, क्योंकि हमारा ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में सिर्फ करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही फ्लो करती है, ठीक है, यहां तक तो ओके। अब जब हम इसे दोनों को कंबाइन करते हैं, मीन्स जैसा कि इस केस में है, तो फिर से इसे अब ध्यान दीजिए, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में आते हैं, राइट, यहां पे बेस रीजन में 5 इलेक्ट्रॉन ही रिकम्बाइन कर पाते हैं, रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन्स कहां, कलेक्टर रीजन में डिफ्यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर डिफ्यूज हो चुके थे बट रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, यहां पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज लगा हुआ है और यहां पे नेगेटिव, दिस इलेक्ट्रॉन विल फोर्स एन एक्सपीरियंस इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू दिस पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल
and will attracted towards this terminal due to this positive potential, right? अब ये सारे electrons junction को cross करके current constitute करेंगे इस region में. So net current in this will be the current due to injected carriers in collector region, right? Means जो भी हमारे पास current होगा कलेक्टर में वो इस इंजेक्टेड कैरियर्स की वजह से होगा. हमने एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंजेक्टेड कैरियर्स, क्यों? क्योंकि हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो एंड रीजन में था वो तो हमारे जंक्शन से अवे मूव कर रहा था, राइट? ये सारे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना एंड रीजन के, ये तो हमारे जंक्शन से अवे मूव कर रहे थे. क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस है ना. सो उसकी वजह से तो करंट जाएगा नहीं, माइनॉरिटी करियर की वजह से करंट हमारे पास कुछ मिल रहा था, ठीक है. बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इमीटर ने इंजेक्ट करा था बेस में, वही सारे आगे डिफ्यूज करेंगे कलेक्टर में, जो कि करंट कंस्टिट्यूट करेंगे. और सिंस ये इंजेक्ट किया गया है इमीटर के थ्रू से, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस एज इंजेक्टेड करियर, एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाई दिज करियर्स विल बी कॉल्ड एज इंजेक्टेड करंट इन कलेक्टर रीजन. अब अगर हम करंट कंपोनेंट की बात करें तो करंट कंपोनेंट मींस किस किस वजह से हमारे सारे रीजन्स में करंट फ्लो करेंगे, राइट? सो हमारा फर्स्ट करंट कंपोनेंट क्या है? आई एनी मींस द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच आर द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इमीटर. सिंस इमीटर हमारा एन रीजन है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है वो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? इसके वजह से जो करंट जो हमारे इमीटर में फ्लो करेगा, द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच आर द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इमीटर, राइट? मेजॉरिटी कैरियर्स हमारा इमीटर का इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से जो हमारा करंट जाएगा वो हमारा इमीटर में करंट जाएगा, राइट? ओके, द नेक्स्ट इज द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ इमीटर इज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर ऑफ इमीटर इज जीरो. सिंस इमीटर में माइनॉरिटी कैरियर हमारा होल्स है, बेस में हमारा माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही करियर जंक्शन से अभी मूव कर रहे हैं, राइट? होल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ये दोनों ही टाइप के करियर जो है, ये दोनों ही करियर जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, लूप फॉर्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से करंट इनकी वजह से जीरो होगा, राइट? जो कि हमने यहां पे लिखा है. द थर्ड वन इज द थर्ड करंट कंपोनेंट इज आईपीई मींस द करंट ड्यू टू होल्स विच आर द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ बेस. बेस में हमारा क्या मेजॉरिटी में है? Holes, because this is P region. The current due to holes, which are the majority carriers of base, this current will flow into E region. Why? Because these holes will be forced towards emitter region, right? Because यहाँ हमने positive potential लगाया है और holes पे भी positive charge होता है, जिसके वजह से junction को cross करेंगे और ये इनके वजह से जो current है वो हमारे किस direction में flow करेगा? This direction में, right? So this current will flow through emitter region. Okay. The fourth component is IN0 or INC0 means collector को open करने के बाद means the current due to the electron which are the minority carriers of base, right? जब हमने collector को open रखा हुआ है, right? तो base region में जो हमारा minority charge carrier जो कि electron है उसके वजह से जो करंट होगा, the current due to electron which are the minority carrier of base, this current will flow into बेस रीजन, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे बेस रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, राइट? और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्म, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल. सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. सो द करंट इन बेस रीजन विल बी ड्यू टू दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि हमने यहां लिखा है. ओके, अब बात आकर हमारा फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ करंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन कलेक्टर, राइट? जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा कलेक्टर में जो कि एन रीजन है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, हमने क्या पोटेंशियल लगाया हुआ है? पॉजिटिव. सो जो कलेक्टर रीजन का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है वो सारा पुल्ड होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स जंक्शन से दूर. अब जंक्शन से अगर ये दूर जाएगा तो इसके वजह से कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं कलेक्टर रीजन में, राइट?
तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है आई मेजोरिटी मीन्स द करंट ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन कलेक्टर रीजन विल बी जीरो। तो फिर कलेक्टर में करंट फ्लो क्या करेगा, देखिए करंट कलेक्टर में करंट फ्लो करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और इंजेक्टेड चार्ज कैरियर की वजह से, आईपीओ और आईपीसीओ। द करंट ड्यू टू होल्स विच आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ कलेक्टर, सिंस इस एंड रीजन में हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, ये जो होल्स हैं हमारे वो फोर्स किए जाएंगे टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव वोल्ट लगाया हुआ है और होल्स पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देन दिस पॉजिटिव पोटेंशियल विल पुश दिस होल इन दिस डायरेक्शन, मीन्स ये जंक्शन को क्रॉस करके बेस रीजन में फ्लो करेगा, राइट। सो द करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन कलेक्टर विल फ्लो इन बेस रीजन, इसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ दिखाया। द करंट ड्यू टू होल्स विच आर माइनॉरिटी कैरियर ऑफ कलेक्टर, दिस करंट विल फ्लो इन बेस रीजन, राइट, ये होल्स इस रीजन में जाएंगे। अब सिंस जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिफ्यूज होता है बेस रीजन में, सिंस बेस हमारा लाइटली डोप्ड है, यहाँ पे होल्स का नंबर बहुत कम होगा जिसकी वजह से बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि रिकम्बाइन कर पाएंगे होल्स के साथ। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड विल स्वीप आउट इन कलेक्टर रीजन, मीन्स 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, 5 इसके साथ रिकम्बाइन करे, रिमेनिंग 95 विल कम इन कलेक्टर रीजन, और ये कलेक्टर रीजन में आने के बाद ये इधर पुल कर लिए जाएंगे बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो द करेंट ड्यू, सिंस ये चार्ज इलेक्ट्रोमीटर से इंजेक्ट किए गए हैं इसी वजह से इसको इंजेक्टेड कैरियर्स कहेंगे, और करंट इसकी वजह से जो जाएगा उसे हम इंजेक्ट करंट ड्यू टू इंजेक्टेड कैरियर्स बोलेंगे, मीन्स INC जिसे हमने स्टार मार्क करके रखा हुआ है। द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर द इंजेक्टेड कैरियर्स, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के बाद में कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे, ये सारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे जिन्होंने करंट नहीं कंस्टिट्यूट किया, बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो अभी कलेक्टर रीजन में स्वीप होंगे डिफ्यूज होंगे इनकी वजह से जो करंट होगा वो होगा इंजेक्टेड कैरियर करंट। सो ये थे हमारे सारे 7 कंपोनेंट्स ऑफ करंट विच कैन बी फाउंड इन एन ट्रांजिस्टर। अब अगर हम इस सारे करंट कंपोनेंट्स को समराइज करने की कोशिश करें देन वी कैन से दैट यस, फर्स्ट वन आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, सिंस बेस में हमारा जो भी करंट जा रहा था अगर हम यहां पे एक जंक्शन रूल अप्लाई करके देखते हैं, राइट, तो क्या देखते हैं, सिंस इमीटर करंट इज कमिंग आउट ऑफ दिस जंक्शन, राइट, इस पूरे को हम अगर जंक्शन अज्यूम करते हैं, राइट, सो इमीटर करंट हमारा एग्जिट हो रहा है, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट दोनों को ही एंटर करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज नेट चार्ज अक्यूमुलेशन एट द जंक्शन इज जीरो, और चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी चार्ज हमारा लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज वाई द समय अलजेब्रिक सम ऑफ दिस थ्री करेंट्स विल बी जीरो, और इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, मीन्स आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं जितने भी करंट फॉर्म हो रहे थे वो इसी की वजह से हो रहे थे, इमीटर ने जितना भी करियर इंजेक्ट करा वही उसी का कुछ पार्ट हमारा बेस में और उसका रिमेनिंग पार्ट कलेक्टर में, दैट इज वाई आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, राइट। अब इमीटर में करंट आई ई इज इक्वल टू आई एन ई प्लस आई पी ई, मीन्स द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन इमीटर रीजन जो कि हमारा मेजोरिटी चार्ज करियर है, राइट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा करंट इधर, मीन्स आई एन ई, होल्स हमारा माइनॉरिटी चार्ज करियर है, पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, अट्रैक्ट इधर होगा, मीन्स इसकी वजह से करंट आई पी ई, दोनों ही करंट मिलके किसको फॉर्म करेगा आई ई, दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिखा है आई ई मीन्स द नेट इमीटर करंट विल बी द करंट ड्यू टू
minority charge carrier as well as majority charge carrier of emitter as well as the minority charge carrier of emitter, means INE plus IPE. Okay, अब देखिए कलेक्टर में IC इज इक्वल टू, हमने देखा क्या, कलेक्टर में दो करंट फ्लो कर रहा है. पहला तो एक हमारा इंजेक्टेड कैरियर्स की वजह से जो कि लार्ज अमाउंट में होगा, मेजर करंट जो होगा वो हमारा इंजेक्टेड चार्ज कैरियर की वजह से होगा. बट साथ में हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है, राइट. सिंस ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड है, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस है और हम लोग सब जानते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में एक करंट फ्लो करता है जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, राइट. और वैसे भी हमने यहाँ पे समझा ही दिया है, एक्सप्रेस कर ही दिया है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा और इसी को हमने यहाँ पे लिखा है IC विल बी means the net collector current will be the combination of, will be the sum of the injected charge carrier current as well as the minority charge carrier current, right. Then इस दोनों ही करंट को हम अगर collectively reverse saturation current कहते हैं, जो कि I not से represent किया हमने, then our IC will become INC means the injected charge carrier current plus reverse saturation current. Okay? अब देखते हैं, since इन दोनों को हमने I not से represent किया, that is why I not will be IN0 plus IPO. इसकी जगह पे ही हमने ये लिखा, right? Means the reverse saturation, net reverse saturation current or the net current due to minority charge carrier will be the current due to minority charge carrier electron and minority charge carrier holes. So, ये थे हमारे transistors में सारे current components. अब since हमारे पास जो transistor है वो एक 3-terminal device है, so इसमें से हम किसी एक terminal को common करेंगे, means common within input and output, means ये हमारा input और ये हमारा output. इन दोनों में अगर देखते हैं तो ये टर्मिनल हमारा ट्रांजिस्टर का कॉमन है. सो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन डिफरेंट टर्मिनल्स को कॉमन करने की. मींस अगर हम बेस को कॉमन करते हैं, राइट, मींस अगर हम बेस को कॉमन करते हैं, राइट, दिस इज आवर इमिटर, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर कलेक्टर. तो इस टाइप के हम सर्किट को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, राइट. अगर हम इमीटर को कॉमन करते हैं, दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर कलेक्टर एंड दिस इज आवर इमीटर, दिस इज आवर वन सर्किट एंड दिस वन इज अनदर सर्किट, दिस इज आवर इनपुट एंड दिस इज आवर आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट. हम यहाँ पे बायसिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, राइट. देन दिस विल बी कॉल्ड एज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. सिमिलरली अगर हम कलेक्टर को कॉमन करते हैं, राइट, दिस इज आवर आउटपुट सर्किट एंड दिस इज आवर इनपुट सर्किट, then this will be called as, यहाँ पर देखिए कलेक्टर हमारा कॉमन है बिकॉज हमारा इमीटर आउटपुट सर्किट में है, राइट. देन दिस इज कॉल्ड एज कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, क्लियर. सो डिपेंडिंग ऑन द टर्मिनल विच वी आर मेकिंग कॉमन इन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, वी विल हैव थ्री डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर विच आर कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब बात करते हैं करंट गेन के, राइट. तो करंट गेन कहने का मतलब क्या होता है? करंट गेन कहने का मतलब ये होता है, जैसा कि हमने देखा था, इमीटर जो करियर इंजेक्ट करता है उसका कुछ पार्ट बेस में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है और रिमेनिंग कलेक्टर में
स्वीप आउट होता है। सो करंट गेन कहने का सेंस ये होता है कि इमीटर ने कितना, इमीटर के करंट का कितना पार्ट हमारे कलेक्टर में अपीयर हो रहा है, राइट। सो द करंट गेन, करंट गेन अल्फा, कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा से डिनोट करते हैं इसे। सो अल्फा विल बी द रेशियो ऑफ इंजेक्टेड मेजॉरिटी कैरियर करंट एट कलेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल इमीटर करंट, राइट। मीन्स आवर अल्फा विल बी, यही था ना हमारा, इंजेक्टेड करियर करंट की वजह से, सॉरी इंजेक्टेड करियर मेजॉरिटी करियर की वजह से जो करंट था वो हमारा आई एन सी था, और टोटल इमीटर करंट इज आई ई। सिंस ध्यान दीजिए आवर आई सी वॉज, आई सी इज इक्वल टू आई एन सी प्लस आई नॉट, आई नॉट जो है हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं, आई एन सी इज इक्वल टू आई सी माइनस आई नॉट। सो आई सी माइनस आई नॉट एंड दिस विल बी आई ई। अब सिंस आई एन सी को यहां से हम, सिंस दिस इज इक्वल टू अल्फा, सो आवर आई एन सी इज इक्वल टू अल्फा आई। और हम सब जानते हैं कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। सो द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट आई सी इज इक्वल टू आई एन सी प्लस आई नॉट, ये तो जानते ही हम लोग सब। अब आई एन सी इज इक्वल टू, हमने यहां निकाला हुआ पहले से ही, अल्फा टाइम्स आई बी प्लस आई सी प्लस आई नॉट। आफ्टर रीअरेंजिंग दिस कैन वी राइट आई सी इज इक्वल टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस वन बाय वन माइनस अल्फा इंटू आई नॉट, राइट। नाउ वी ऑल्सो नो दैट आवर इमीटर करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, राइट, आई सी प्लस आई बी। आई सी की वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज दैट अल्फा बाय वन माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस वन बाय वन माइनस अल्फा इंटू आई नॉट प्लस आई बी, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से हमारे पास आई ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन बाय वन माइनस, दिस इज आई बी, दिस इज आई बी, वन माइनस अल्फा आई बी प्लस वन बाय वन माइनस अल्फा आई नॉट, राइट। अब अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, इफ वी नेग्लेक्ट आई नॉट, देन अगर आई नॉट को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है हमारे पास, दिस विल बी जीरो, राइट, बिकॉज हम आई नॉट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देन आवर अल्फा विल बी आई सी बाय आई, राइट, जो कि हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है। इस इक्वेशन में अगर हम आई नॉट को नेग्लेक्ट करते हैं देन फ्रॉम हियर आई सी बाय आई बी इज इक्वल टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, राइट। दिस इज ऑल्सो द करंट गेन व्हेन इमीटर इज कॉमन, राइट, मीन्स कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में। देन यहां से अगर हम आई नॉट को नेग्लेक्ट करते हैं देन वी विल हैव
आई ई बाई आई बी इज इक्वल टू वॉट 1/1 माइनस अल्फा, जो कि ऑल्सो द करेंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कंडीशन, राइट। जब हमारा कलेक्टर कॉमन होगा तो हमारे आउटपुट सर्किट में इमीटर होगा और इनपुट में बेस, सो द रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट डिवाइडेड बाई इनपुट करेंट विल बी द करेंट गेन। अब कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन के केस में जो हमारा गेन होता है उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, राइट। कॉमन कलेक्टर के केस में जो हमारा करंट गेन होता है उसे गामा से डिनोट करते हैं, राइट। सो द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी आई थिंक बेटर होगा बीटा इक्वल टू लिखें, यहां से देख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, राइट। सो द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री विल बी अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1 एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, जो कि ऑलरेडी रिटेन है। सो ये था हमारा ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे मोर मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू इज ट्रांजिस्टर बायसिंग। मीन्स ट्रांजिस्टर में अगर क्वेश्चंस आते हैं गेट में तो ट्रांजिस्टर बायसिंग से ज़्यादा आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग एज वेल एज बायसिंग मेथड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर, लाइक फिक्स्ड बायस, इमीटर बायस और द वोल्टेज डिवाइडर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस एट्सेट्रा। इसमें से कुछ हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। अभी तक के लिए, आज तक के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।